हाई एवरीवन दिस इज दीप वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ कंफर्ट में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स तो ट्रांसनेशनल एक्टर्स को हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे आज के सेशन में उसका ये फ्रेमवर्क है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि मीनिंग क्या होता है या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ट्रांसनेशनल एक्टर्स ट्रांसनेशनल एक्टर्स का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन में देन इसका थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव समझेंगे कि जो स्कूल ऑफ़ रियलिज्म है या लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स को कैसे देखते हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे या वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे देन हम देखेंगे कि इन ट्रांसनेशनल एक्टर्स के फंक्शन क्या होते हैं रोल क्या होते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देन हम देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ रियानिटी में किस तरीके का इम्पैक्ट डाला जाता है ट्रांसनेशनल एक्टर्स के द्वारा एंड ऑफ कोर्स कुछ एग्जाम्पल्स जरूर डिस्कस करेंगे ट्रांसनेशनल एक्टर्स के जब भी हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है तो अगर हम मीनिंग की बात करें ट्रांसनेशनल एक्टर्स की तो सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन क्या है कई सारी कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन होता है और ये रिलेशन क्या हो सकता है पॉलिटिकल रिलेशन इकोनॉमिक रिलेशन या आपका सोशल कल्चरल रिलेशन कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट में कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन में क्या डिफरेंस है देखो इंटरनेशनल रिलेशन एक ब्रॉड टर्म है इंटरनेशनल रिलेशन में हर डायमेंशन के रिलेशन आ जाते हैं पॉलिटिकल रिलेशन इकोनॉमिक रिलेशन एंड मेनी अदर रिलेशंस ओके वो डिफेंस से रिलेटेड हो सकते हैं सोशल एंड कल्चरल रिलेशन हो सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपका केवल एक डोमेन है इंटरनेशनल रिलेशन का जो पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करेगा अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया इन दोनों टर्म के बीच में तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो आप उसमें आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन भी है इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशन भी है ये सारी चीजें आ जाती हैं गेटिंग इट अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसनेशनल एक्टर्स की तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्टर्स का मतलब क्या होता है ट्रांसनेशनल एक्टर्स का मतलब क्या होता है तो इंटरनेशनल रिलेशन में कई तरीके के एक्टर्स होते हैं एक्टर्स बेसिकली क्या हैं एक तरीके से एजेंट मान लो आप इनको ओके okay, जैसे कई पर्सन होते हैं ना कई तरीके के उसी तरह तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में कई तरीके के एजेंट होते हैं जो एक्शन लेते हैं एक्टिविटीज करते हैं ब्रॉड कैटेगराइजेशन दो किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में इनका एक होते हैं स्टेट एक्टर्स दूसरे होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स तो यहां पर जो स्टेट होते हैं ये बात करते हैं नेशन स्टेट की नेशन स्टेट जैसे मान लीजिए जिनके पास सव्रानिटी होती है फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार इंडिया या यूएस गवर्नमेंट ओके अमेरिकन गवर्नमेंट ये क्या है नेशन स्टेट हैं उसी तरीके से जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये इनके ये सवरिन एक्टर्स नहीं होते हैं मतलब इनके पास सवरानिटी नहीं होती है डिसीज़न लेने की अब ये ये हो सकते हैं आपके एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं या मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन हो सकते हैं ओके okay? या कोई इंडिविजुअल ग्रुप हो सकते हैं आपको पता है बहुत सारे सोसाइटल ग्रुप या ये रिलीजियस ग्रुप भी हो सकते हैं, ओके, okay, बहुत बहुत फाइनेंशियल ग्रुप, ग्रुप रिसर्च हो सकता है एकेडमिक ग्रुप्स हो सकते हैं बहुत सारे ये हो सकते हैं ओके okay, तो ये होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जो सरकार के बियॉन्ड काम करते हैं और जब ये नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरनेशनल लेवल या कई सारी कंट्रीज या क्रॉस बॉर्डर ऑपरेट करते हैं तब हम इन्हें क्या कहते हैं ट्रांसनेशनल एक्टर्स मतलब जब कोई एनजीओ या एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कॉर्पोरेशन कई सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं फंक्शन करती हैं तो वो ट्रांसनेशनल एक्टर्स हो जाते हैं अभी आपको मीनिंग समझ में आ गई यहां पर कि जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं वो क्या हैं अब आ जाते हैं हम अपने मूल डिस्कशन पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर ट्रांसनेशनल एक्टर्स ओके तो ट्रांसनेशनल एक्टर्स क्या हैं आपके वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ट्रांसनेशनल एक्टर्स क्या हैं वो नॉन स्टेट एक्टर हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जो ऑपरेट करते हैं क्रॉस बॉर्डर केवल एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है क्रॉस बॉर्डर ये काम करते हैं अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कई सारी कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस होती है नेशनल गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि मान लीजिए ग्रीन पीस या ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे जैसे एम इंटरनेशनल हो गया या आपके इन्वायमेंट के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करते हैं ओके okay, तो ये सारे ग्रुप आपके हो जाते हैं तो ये सारे क्या किस नाम से जाने जाते हैं ट्रांसनेशनल एक्टर्स ओके और ट्रांसनेशनल एक्टर्स काम क्या करते हैं इनका काम क्या है कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं किसको ग्लोबल पॉलिटिक्स को ग्लोबल पॉलिटिक्स को अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए इनवायरमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनेंगी डिफरेंट कंट्रीज में उसको इन्फ्लुएंस करना हम एग्जांपल के रूप में यहाँ पर बात कर रहे हैं ओके ह्यूमन राइट्स को लेकर इन्वा पॉलिसीज को लेकर सोसाइटल नॉर्म्स को लेकर इकोनॉमिक्स को लेकर इन सभी को इन्फ्लुएंस डालते हैं आपके ट्रांसनेशनल एक्टर्स तो आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आ गई यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर आपको मीनिंग समझ में आ गई अब अगर हम बात करें हम पहला पॉइंट हमने मीनिंग समझ लिया यहां पर कि किस तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं पूरी भूमिका के साथ दूसरा हमने देखा था कि हम क्या डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल स्पेक्टिव थ्योरिटिकल परस्पेक्टिव डिस्कस करेंगे अब ये थ्योरिटिकल पॉस्पेक्टिव जैसे कि हम देखेंगे कि पहला इसमें ए अगर हम देखें कि जो रियलिज्म है रियलिस्ट स्कूल स्कूल ऑफ थाट है ये कैसे देखता है ट्रांसनेशनल एक्टर्स को तो जो रियलिस्ट है या जो रियलिज्म से बिलोंग करते हैं स्कॉलर्स वो कहते हैं कि जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं ये क्या है बेसिकली ये सेकेंडरी है टू द स्टेट मतलब सेकेंडरी टू स्टेट्स इसका बेसिक मतलब ये होता है कि प्राइमरी एक्टर्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्राइमरी एक्टर्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्टेट ही रहेंगे नेशन स्टेट्स और जो ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं ये सेकेंडरी एक्टर्स हैं इंटरनेशनल या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और सेकेंडरी किसके हैं स्टेट के तो जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा वहीं पर अगर हम बात करें थियोरिटिकल पोस्पेक्टिव में जो दूसरा है वो है लिबरलिज्म लिबरलिज्म तो जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ट्रांसनेशनल एक्टर्स को ट्रांसनेशनल एक्टर्स को लिबरल स्कूल ऑफ थॉट का मानना है कि जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें फॉस्टरिंग फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने में ट्रांसनेशनल एक्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये क्या करते हैं दूसरा काम क्या करते हैं स्प्रेडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो समझ गए कि लिबर, जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है वो ट्रांसनेशनल एक्टर्स को कितनी इंपॉर्टेंस देता है दूसरा अगर हम देखें जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म ये सारे स्कूल ऑफ थॉट है मैंने इनको आ, अलग अलग डिस्कस किया है आईआर की प्लेलिस्ट में लेक्चर्स मिल जाएंगे सो कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं इनका फोकस क्या रहता है कहां पर फोकस करते हैं ऑन देयर इन्फ्लुएंस ऑन सोशल नॉर्म्स आइडेंटिटीज या आप कह सकते हो वैल्यूज में कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है बेसिकली कि आ, जो भी वैल्यूज हैं जो आइडेंटिटी है जो आइडियाज हैं है, उसको सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है ओके okay? कंस्ट्रक्टेड होती हैं चीजें तो इसमें ट्रांसनेशनल एक्टर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल नॉर्म्स आइडेंटिटीज़ एंड वैल्यूज़ को शेप करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं दूसरा आ जाते हैं हम लोग एक और स्कूल ऑफ थॉट लेते हैं हम थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव में मार्क्सिज्म या जो क्रिटिकल थ्योरीज हैं क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है इंटरनेशनल रिलेशन में एक आपने देखा होगा तो ये ये थ्योरीज क्या कहती हैं ये बेसिकली जो मल्टी नेशनल हैं इनकी क्रिटिक है मार्क्सिज्म तो आपको पता ही है कैपिटलिज्म का क्रिटिस, को क्रिटिसाइज करते हैं और मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि जो एम हैं यही तो कैपिटलिज्म का वर्ल्ड लेवल पे एक्सटेंशन है तो ये क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि ये ग्लोबल कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं क्या करते हैं ग्लोबल कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं और वर्ल्ड में क्या करते हैं ग्लोबल इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करते हैं ठीक है तो ये हमने थोरिटिकल पर देखा यहाँ पर कि किस तरीके से डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट आई आर के ट्रांसनेशनल एक्टर्स को डिफाइन करते हैं अब हम थोड़ा सा रोल और डिटेल में देखते हैं जो रोल ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स है उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तो सबसे पहले आप कह सकते हो इनका काम क्या होता है एडवोकेसी एडवोकेसी का मतलब यहाँ पर क्या है प्रमोट करते हैं ह्यूमन राइट्स को ओके ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं एडवोकेसी बेसिकली है इन्फ्लुएंस क्रिएट करना तो वर्ल्ड uh, पॉलिटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर ये पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स हो गया आपका या इन्वायमेंटल इशूज़ हो गए आपके चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो आपका ओके या या ग्लोबल वार्मिंग के इशू को लेकर हो चाहे वो ओजोन डिप्लीशन को लेकर हो इन सभी इश्यूज़ पे एडवोकेसी करते हैं या पॉजिटिव आउटकम्स लाने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ताकि जो वेरियस कंट्रीज़ की गवर्नमेंट हैं वो इन्वामेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ को लाएं ओके okay. इसके बाद से दूसरा इनका रोल है इकोनॉमिक इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट बेसिकली ये ग्लोबल मार्केट को ड्राइव करते हैं या, या आप कह सकते हो इसमें आप ए, ए, लेबर का अगर हम देखें लेबर मार्केट जो है जैसे लेबर मार्केट में एक मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं लेबर मार्केट में स्टैंडर्ड्स कि जैसे मिनिमम वेजेस मिलते मिलें जो वर्कर्स हैं उनकी ह्यूमन राइट्स या डिग्निटी को मेंटेन किया जाए ये सारी चीजें रोल में अगर हम तीसरा देखें तो कल्चरल एंड एजुकेशनल इन्फ्लुएंस कल्चरल एंड एजुकेशनल इन्फ्लुएंस। कल्चरल एंड एजुकेशनल इन्फ्लुएंस में आप देखोगे कि ये क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं कि जो एजुकेशनल राइट्स हैं वो लोगों को मिले जो मल्टी कल्चरल वैल्यूज़ हैं या डाइवर्स कल्चर हैं उसको रिस्पेक्ट मिले ओके okay? इसके बाद से चौथा पॉलिसी इन्फ्लुएंस पॉलिसी इन्फ्लुएंस पॉलिसी इंफ्लुएंस में ये ग्लोबल पॉलिसीज को बेसिकली शेप करते हैं शेप दी ग्लोबल पॉलिसीज तो ये चीज आपको आप देखने को मिल जाएगा ह्यूमन राइट्स या इन्वॉर्मेंटल इश्यूज़ को लेकर जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया आप इन चीजों में देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं तो ये हो गया आपका रोल तो मीनिंग थ्योरिटिकल पर्स्पेक्टिव एंड रोल को हमने समझ लिया एक पॉइंट और हमें यहाँ समझने समझना था वो था इम्पैक्ट ऑन स्टेट सवरिटी तो हमने शुरू में ही देखा था कि कस, किस किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है एक्टर्स का एक स्टेट एंड नॉन स्टेट एंड ट्रांसनेशनल एक्टर्स हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स पे आते हैं जो एक बॉर्डर ऑपरेट करते हैं तो सवरानिटी किसका कैरेक्टरिस्टिक है स्टेट एक्टर्स का तो हम देखेंगे कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो किस तरीके तर, तरीके से स्टेट की सवरानिटी को इम्पैक्ट करते हैं सवरानिटी बेसिकली क्या है सुप्रीम पावर है सुप्रीम पावर है टू टेक द डिसीजन तो जैसे इंडिया से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे ओके okay, वो भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट के पास सुप्रीम पावर है टू टेक द डिसीजन एट द ग्लोबल स्टेज बाकी तो ऐसा नहीं कि जो एन एंड ऑल हैं, उनको पावर मिल जाएगी अल्टीमेटली भारत के नेशनल इंटरेस्ट जो हैं उनको लेकर भारत सरकार के पास ही पावर है ना डिसीजन लेने की तो जब ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये इम्पैक्ट कैसे डालते हैं ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इस स्टेट की इस सुप्रीम इस, पावर इस को अपनी एडवोकेसी पावर से ओके okay. तो इम्पैक्ट सबसे पहले कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये क्या करते हैं इरोजन ऑफ नेशन सवरानिटी मतलब जो स्टेट की सवरानिटी है उसको इरोड करते हैं कम करते हैं तो ये चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल स्टेट सवरानिटी को थ्रू क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ अपने एडवोकेसी नेटवर्क के द्वारा अपने पॉलिसी इन्फ्लुएंस की एक्टिविटीज़ के द्वारा इस तरीके से दूसरा या प्रोटेस्ट करते हैं मास को मोबालाइज करते हैं या इस तरीके की चीज़ें कैंपेन चलाते हैं इस तरीके से करते हैं दूसरा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इकोनॉमिक इंटर डिपेंडेंस बेसिकली क्या करते हैं नेशनल ऑटोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर आपको पता है इकोनॉमिक जो इकोनॉमीज हैं वो इंटीग्रेट हुई हैं आफ्टर ग्लोबलाइजेशन मतलब एक तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन बन चुका है और जब ग्लोबल सप्लाई चेन है जहाँ पर वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के, के आ, से कोविड नाइन्टीन के द्वारा यह चीज आपको बहुत अच्छे से देखने को मिली कि, कि किस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन इंपैक्ट हुई थी जो ये जो लॉकडाउन लगे थे उसके द्वारा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज क्या है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अब ये जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं ये अपनी एक्टिविटीज के द्वारा नेशनल ऑटोनॉमी नेशनल ऑटोनॉमी को कही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं नेशनल ऑटोनॉमी क्या है मतलब किसी भी देश या किसी भी कंट्री या किसी भी नेशन की जो क्षमता होती है डिसीज़न लेने की या जो फ्रीडम होती है डिसीज़न लेने की उसको इम्पैक्ट करते हैं अब ये ग्लोबल लेवल पे कैंपेन चलाएंगे, प्रेशर डालेंगे लॉबिंग करेंगे या इन्फ्लुएंस करेंगे एडवोकेसी नेटवर्क ऑपरेट करेंगे तो इससे क्या होता है उस नेशनल गवर्नमेंट की जो ऑटो auto, ऑटोनॉमी है वो इन्फ्लुएंस होती है ओके okay, इसके बाद से अगर मैं इसी एग्जाम्पल से बताऊं जैसे मान लीजिए कोई इन्वामेंटल इशू है ओके क्लाइमेट चेंज को लेकर तो को, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ठीक से पॉलिसीज नहीं ले रही है इन्वायमेंटल फ्रेंडली जैसे कि ग्लोबल लेवल पे जो डिसाइड किया गया था उसके अकॉर्डिंग तो कोई एनजी आएगा वो क्रिटिसाइज करेगा इसे या पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा कि आप ग्लोबल स्टैंडर्ड के लेवल पे अपनी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ करिए, इस तरीके से चीजें ऑपरेट करती हैं। इसके बाद से सिक्योरिटी चैलेंज सिक्योरिटी चैलेंज सिक्योरिटी चैलेंजेस कैसे होते हैं कई बार क्या होते हैं ये लोग सिक्योरिटी रिस्क एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं कई बार क्या होता है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो टेररिस्ट ग्रुप भी हो सकते हैं ओके जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेड क्रिएट करें या नेक्स्ट हो सकता है आपका आ, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस इन्फुन, करते हैं पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं ये और कई बार इसके इम्पैक्ट में आप पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आप चाहो तो इसको दो कैटेगराइज कर लो पॉजिटिव एंड निगेटिव तो जैसे कि इसमें से आपके नेशनल ऑटोनॉमी को इरोड करना सिक्योरिटी चैलेंज ओके ये सब चीजें आपके निगेटिव में आ जाएंगी पॉजिटिव में जैसे क्या आ जाएगा कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे हो गया ओके इसके बाद से आप देखोगे कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज को प्रमोट करते हैं ओके या जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ जाएंगे एजुकेशनल राइट्स अपने जो ये कई सारे इंटरनेश जो ट्रांसनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं ये एजुकेशन के को प्रमोट करते हैं ओके okay, इसके बाद से हेल्थ को लेकर बहुत सारे इनके द्वारा एक्टिविटीज़ चलाई जाती हैं कैम्प चलाए जाते हैं तो ये सारे क्या हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो गए ओके okay, तो इनमें एग्जाम ये सारे हमने इम्पैक्ट्स देख लिए तो आप एग्जाम्पल के रूप में क्या देखोगे यहाँ पर जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स हमने यहां पर डिस्कस किया एक तो एम जो मल्टीनेशनल नेशनल हैं है एम का काम क्या होता है जैसे ये इकोनॉमिक डोमेन पे ऑपरेट करते हैं बेसिकली ओके इनका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होता है ट्रेड पे इन्वेस्टमेंट पे इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर ओके okay, इसके बाद से आप देखोगे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या इसके बाद से आप देखोगे टेररिस्ट ग्रुप जो सिक्योरिटी वाले चैलेंज को हो गए वो हो गए ओके okay. इसके बाद से बहुत सारे एनजीओज होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनका ये जो पॉलिसी इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे ओके पार्टनरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग एन के तो बहुत सारे काम होते हैं आपको पता ही है ये सारी चीज़ें तो ये हो गया ट्रांसनेशनल एक्टर्स के बारे में लेक्चर आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसनेशनल एक्टर्स क्या हैं इनकी मीनिंग क्या है इनका रोल क्या होता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एग्जाम्पल्स क्या हैं ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसनेशनल एक्टर्स एंड यस अगर आपका ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड दूसरों के साथ शेयर करिएगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू सो मच